एम्स में सुविधा नहीं, फिर भी मोदी कर गए उद्घाटन। बिलासपुर के साथ पूरे हिमाचल प्रदेश से किया धोखा। जी हाँ, सही सुना आपने, जिस एम्स अस्पताल के उद्घाटन को भाजपा एक बड़ी उपलब्धि बताकर ढोल पीट रहे थे, उस एम्स में मरीजों को इलाज तक नहीं मिल पा रहा है और उन बेचारों के साथ रेफर रेफर का खेल खेला जा रहा है। इन जुमलेबाजों से और उम्मीद भी क्या ही की जा सकती थी। वाह मोदी जी वाह, आपकी इस क्रोनोलॉजी के क्या कहने। बिलासपुर में अधूरे एम्स का उद्घाटन कर आप तो दिल्ली रवाना हो गए, मगर जो मरीज अब दिन रात परेशान हो रहे हैं उनका क्या। एम्स के उद्घाटन पर सोशल मीडिया से लेकर हिमाचल की सड़कों तक बड़े बड़े पोस्टर लगवाने वाले भाजपाइयों, एक बार उस एम्स में जाकर उन मरीजों की हालत देखने की हिम्मत है जो अब परेशान हो रहे हैं। देवभूमि हिमाचल से विश्वासघात करना बंद करो भाजपा वालों, जनता ये समझ गई है कि जयराम के गुरु मोदी का हिमाचल से सिर्फ चुनावी नाता है। 90 के दशक में जब वो हिमाचल के प्रभारी बनाए गए तब भी चुनावी नाता था, 2014 में, 2017 में, 2019 में और अब 2022 में जब ये प्रचार करने, जुमले फेंकने और भाषण देने आ रहे हैं, ये भी इनके हिमाचल से चुनावी नाते को ही दर्शाता है। भाजपा का एक ही मंत्र है, धोखा दो आगे बढ़ो। आज जो हालत हिमाचल के सरकारी अस्पतालों की है, वही हालत भाजपा शासित अन्य राज्यों में भी है और जनता इसी तरह परेशान हो रही है, क्योंकि जनता के पास विकल्प नहीं है। वो कांग्रेस को चुनती है और कांग्रेस वाले भाजपा में शामिल हो जाते हैं और जनता का वोट बर्बाद हो जाता है। हिमाचल में पिछले 5 सालों के जयराम के शासन में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं इतनी बर्बाद हैं कि गांव-गांव में लोग मरीजों को कंधों पर लादकर इलाज करवाने ले जाते हैं, मगर इस डंडी कंडी से भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ता। मरीजों की परेशानी से भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब तो उद्घाटन हो चुका है, उसका प्रचार हो चुका है, उसकी हवाबाजी हो चुकी है। मित्रों, अब जनता परेशान होती रहे भाजपा को क्या। साहब 13 अक्टूबर को फिर आएंगे, जुमले फेंक कर चले जाएंगे और जयराम ठाकुर और भाजपा नेता इसी तरह ढोल बजाते रह जाएंगे, मगर अब जनता भाजपा के झांसे में आने वाली नहीं है। हिमाचल की स्वास्थ्य सुविधाओं को पटरी पर लाने के लिए अब भाषण और उद्घाटन नहीं, बल्कि राज्य में ईमानदार और कर्मठ सरकार बनाने के लिए जनता देगी एक मौका केजरीवाल को।